हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पॉलीडेस्क्यूप में स्वागत है। मैं पी पी कुशवाहा, हम लोग बात कर रहे हैं प्लांट मैकेनिक्स में। आज हमारा लेक्चर मैकेनिक्स पूरा ख़त्म होने वाला है, उसके हम लास्ट टॉपिक सिंपल मशीन के जो हाइलाइट्स हैं, जो समरी हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमको याद करने हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये चलते हैं। तो दोस्तों, हमने इसमें पढ़ा मशीन क्या होती है। तो दोस्तों, हमने इसमें पढ़ा मशीन क्या होती है। मशीन में भी डिफाइंड एज अ कंट्रीवेंस आर डिवाइस, ऐसी एक युक्ति है या फिर सुविधा है, हमको कहते हैं आसानी से होती है काम। मशीन एक ऐसी युक्त है या ऐसी डिवाइस है जो किसी भी प्रकार की एनर्जी को रिसीव करती है, लेती है, और उसके द्वारा हम किसी विशेष काम को कर पाते हैं। ये हमारी मशीन होती है, या फिर जो भी हमारे काम को आसान बना दे वो हमारी क्या होती है, मशीन होती है। रिंचू बाबा तो आपको याद ही करवा दिए, तो वही चीज़ हमारी मशीन होती है और कुछ नहीं। लिफ्टिंग मशीन मे बी डिफाइंड एज कंट्रीवेंस टू ओवरकम अ फोर्स आर लोड अप्लाइड एट वन पॉइंट बाई मीन्स अनादर फोर्स कॉल्ड एफर्ट। लिफ्टिंग मशीन वो होती है जिसमें हम किसी एक पॉइंट पर लोड लगाते हैं, लोड को उठाते हैं, किसी भी एक दूसरे पॉइंट पर एफर्ट लगा करके उठाते हैं किसी लोड को, या फिर उसको लोड को ओवरकम करते हैं, वही हमारी होती है लिफ्टिंग मशीन। मैकेनिकल एडवांटेज की बात की हमने, एम ए कर लो तो लोड लिफ्टेड, जितना हम लोड उठा रहे हैं अपान एफर्ट अप्लाइड, कितना हम एफर्ट लगाए हैं। तो दोस्तों, हमको हम याद करने के तरीके बताए तो वाइफ अपान पति, वाइफ ऊपर होती है, पति नीचे, भाई साहब पति हमारे नीचे हैं, वाइफ ऊपर होती है। वाइफ की ज़्यादा चलती थी, पति की नहीं चलती थी, कम चलती थी, इसलिए वाइफ हमारा क्या आती थी, ऊपर आती थी, सभी बातों को ऊपर रख लेती थी। तो हमारी वाइफ अपान पति, यहाँ से आप याद कर सकते हैं। वही हमने एक चीज़ और बताया था, अभी इलास्टिक रेशियो में बात करेंगे। वे इलास्टिक रेशियो हमारा होता था डिस्टेंस मोड बाय एफर्ट, हमारा एफर्ट कितना चल रहा है, और डिस्टेंस मोड बाय लोड, और कितना हमारा लोड हमारा मूव हो रहा है, उसका रेशियो होता था इलास्टिक रेशियो। अगर आपको याद ना हो तो पी हमने बताया था पाई, तो आपको पाई याद करना है, पी वाई। तो पी मतलब हमारा होता था एफर्ट, एफर्ट था चली गई दूरी, हम किससे डिनोट करते थे, वाई से, तो हमारा ये होता पाई। और उसके बाद जो बचा डब्ल्यू एक्स, तो हमारा हो गया एक्स, हो जाएगा डिस्टेंस मोड बाई लोड। एफिशिएंसी की बात करें तो होता था हमको कितना आउटपुट मिल रहा है, कितना इनपुट, तो ईटे इक्वल टू हो जाता था, हमने निकाला था मैकेनिकल एडवांटेज हमारा इलास्टिक रेशियो। ठीक दोस्तों, या फिर इसको आप ऐसे कह सकते हैं पी आई अपान पी इक्वल टू डब्ल्यू अपान डब्ल्यू आई। पी आई क्या है, एफर्ट एट आइडियल मशीन, पी क्या है एफर्ट अप्लाइड एट एक्चुअल मशीन, डब्ल्यू क्या है लोड अप्लाइड, लोड लिफ्टेड बाई एक्चुअल मशीन, और डब्ल्यू आई है लोड लोड लिफ्टेड बाई आइडियल मशीन। तो यहाँ से आप इफिशेंसी, ये भी एक फॉर्मूला लगा सकते हैं आप। वही हमने बात किया था लॉस ऑफ एफर्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, हम जब फ्रिक्शन के कारण हमारा कितना एफर्ट में लॉस हो रहा है वो हम निकाल देते हैं, एफ पी इक्वल टू पी माइनस पी आई। हमने इसका भी डेरिवेशन किया था, पी इक्वल टू हो जाता है हमारा, पी आई इक्वल टू हो जाता है डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू अपान वी आर। तो हमने यहाँ पर इसको निकाल लिया था। अगर हम लॉस ऑफ लोड ड्यू टू फ्रिक्शन निकालें तो ये हमारा हो जाता था फ्रिक्शन कारण जो हमारा लॉस, लोड लॉस हो रहा है वो हमारा हो जाता था एफ डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू आई माइनस डब्ल्यू। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इधर ये पहले क्यों आया, क्योंकि हमारी मॉडल जब मशीन आइडियल होगी तो उतनी ही फोर्स लगाकर हम ज़्यादा लोड उठा सकते हैं। तो वही हमने क्या किया, दोनों डिफरेंस निकाल लेते हैं, लोड आइडियल मशीन का और एक्चुअल मशीन का। तो हमारा फ्रिक्शन निकाल आता है, कितना लोड उठाने में फ्रिक्शन लग रहा है। तो पी इंटू वी आर इसकी इक्वल टू हमारा निकाल आता है पी इंटू वी आर, तो हमारा है डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू। तो ये हमको फॉर्मूला याद करना है, ये हमको लोड का लॉस पूछे फ्रिक्शन कारण तब। वह हमने बात किया, अगर हमारी मशीन की एफिशिएंसी 50% ज़्यादा होती थी तो उसको हम रिवर्सिबल मशीन बोलते थे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं अगर हम किसी मशीन पर काम कर रहे हैं, हमने एफर्ट लगा रहा है लेकिन हमने एफर्ट को हटा लिया तो लोड द्वारा काम करना स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पर उसको बोलते हैं रिवर्सिबल मशीन। इसके लिए हमारा एफिशिएंसी 50% ज़्यादा होना ज़रूरी होता था। फिर हमने बात किया नॉन रिवर्सिबल या सेल्फ लॉकिंग मशीन। जैसे हमने स्क्रू जैक का भी एग्जाम्पल लिया, तो स्क्रू जैक क्या होता है, जब हम इसको घुमाते हैं तो सही रहता है, जब कि हम ऐसा होता है कि हम घुमाना स्क्रू जैक को हैंडल से बंद कर दिए तो हमारा जो लोड है तुरंत फिर नीचे आने लगता है, ऐसा नहीं होता ना, वो सेल्फ लॉकिंग मशीन होता है या फिर नॉन रिवर्सिबल मशीन होता है। इसके लिए हमारा क्या होता है, जो हमारा डायरेक्ट वो हमारा एफिशिएंसी होती है वो 50% से लेस होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये हमको निकल आता है। फिर हमने लॉ मशीन बताया, लॉ मशीन हमारी क्या होती थी, जो हम एफर्ट लगा रहे हैं किसी मशीन पर और कितना लोड उठा रहे हैं, इसमें एक रिलेशन बताती थी, एक संबंध बताती थी, वो रिलेशन था हमारा पी इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी। पी हमारा क्या था, एफर्ट अप्लाइड, एम क्या था, एक ग्रेडियंट है, ठीक,
और W क्या है, लोड लिफ्टेड, कितना लोड उठा रहे हैं। C हमारा था फ्रिक्शन कॉन्स्टेंट। तो इस प्रकार यहाँ पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। फिर आता है हमारा मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। जब हमारा P इतना है, यहाँ पे हम मैक्सिमम निकालेंगे तो हमारा एम ए मैक्स निकल गया था 1/m। जब हमारा एम ए 1/m हो गया तो हमारा जो एफिशिएंसी हो जाएगी एम ए मैक्स अपान वी आर, तो एम ए मैक्स हो गया 1/m, तो ये कट जाएगा 1/m इंटू वी आर हमारे यहाँ निकल आएगा 1/m इंटू वी आर। अब बात करते हैं अलग अलग केसेस में इलास्टिक रेशियो कितना होता था। जब हमारा सिंपल वेरिएंट एक्सल था तो डी प्लस डी आर वन अपान स्मॉल डी प्लस डी आर वन, दोस्तों ये बड़े वाले का है, व्हील का डायमीटर है, और जो स्मॉल डी है वो एक्सल का डायमीटर है। वहाँ पर डी आर वन बोले डी आर टू बोले तो ये रस्सियों की जो डायमीटर है वो दिया है। दोस्तों हमारे में डायमीटर नहीं दिया है रस्सी की, तो हम इसको जीरो मान सकते हैं। तो हमारा केवल हो जाएगा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी, अगर हमको रस्सी की डायमीटर नहीं दिया हुआ है। फिर आता था हमारा व्हील एंड डिफरेंशियल एक्सल। इसने क्या था, हमारा जो एक्सल था दो होते थे, तो दोस्तों जो हमारा व्हील था उसका डायमीटर कैपिटल डी, जो हमारा एक्सल थे जो दोनों कम थे, बड़े वाले का डी वन और छोटे वाले का डी टू, फिर उसमें हम रस्सियों का जोड़ देते थे, तो इस प्रकार हमारा फार्मूला बनता था। मानते हैं अगर हमारा रस्सी नहीं दी हुई है तो हमारा हो जाता है 2D अपान डी वन माइनस डी टू, ये हमारा इलास्टिक रेशियो निकल के आता था। फिर हमने पुली की बात की थी, उसमें हम इलास्टिक रेशियो की बात करें, जो हमारा फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली था उसका इलास्टिक रेशियो क्या था, 2n। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ मूवेबल पुली, दोस्तों ये याद रखने का, ये याद रखना है आपको, नंबर ऑफ मूवेबल पुली थी। फिर यहाँ पे सेकंड सिस्टम ऑफ पुली की बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक रेशियो निकल के आता था, टोटल नंबर ऑफ पुली इन द ब्लॉक्स, टोटल कितने पुली लगे हुए हैं उनका हमारा इलास्टिक रेशियो वही निकल के आता था। मतलब कि वी आर इक्वल टू क्या निकल के आता था, एन सेकेंड सिस्टम में। वहीं अगर थर्ड सिस्टम की बात करें, थर्ड सिस्टम ऑफ पुली, तो हमारा जो वी आर निकल के आता था वो आता था 2n-1। अब वहाँ पे एन क्या है दोस्तों, देख लीजिए, ये नंबर ऑफ पुली इंक्लूडिंग द फिक्स पुली, दोस्तों यहाँ पे जो फिक्स पुली है उसको भी लेकर के टोटल नंबर ऑफ पुली कितना है वो होता था। आपको यहाँ ध्यान देना है, नहीं केवल मूवेबल पुली, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, यहीं पर हम अधिकतर गलती कर बैठते हैं। तो यहाँ देखिए, जो हमारा पुली है फिक्स वाली जो पुली उसको भी लेते हैं, उसको भी कंसिडर लेते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक की बात की है तो उसका जो इलास्टिक रेशियो निकल गया है 2D/D-D निकल गया था। फिर वहीं वार्म एंड व्हील की बात की है तो LT/NR, एन क्या था, नंबर ऑफ टीथ था। दोस्तों अभी हमने बात किया सिंगल परचेज क्रैप बेंच में, इसमें हमारा होता था इलास्टिक रेशियो 2L/D+DR। DR क्या दोस्तों, रस्सियों की मोटाई है, ये आप ध्यान दीजिएगा, T2 था नंबर ऑफ टीथ इन हिस्पर व्हील, नंबर ऑफ टीथ इन स्पर व्हील, और T1 था हमारा नंबर ऑफ टीथ इन पिनियन। सो ये ध्यान दीजिएगा आप। अब बात करते हैं डबल परचेज क्रैब बेंच में, इसमें दोस्तों क्या था, 2L/D+DR, T2 × T4 T1 × T3, आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ भी ये क्या था, स्पर व्हील के दोनों जो टीथ हैं उनको ऊपर लिख के मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, और जो पिनियन के हैं उनको दोनों नीचे ही लिख रहे हैं, पिनियन वाले नीचे ही लिख रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हम सॉल्व कर सकते हैं, डबल परचेज क्रैब बेंच का इलास्टिक रेशियो निकाल सकते हैं। फिर बात करते हैं सिंपल स्क्वीज जैक का, तो जो था इलास्टिक रेशियो था 2π/P। ठीक, जब हमारा जो स्क्रू है जो सिंगल थ्रेडेड था, वहीं जब डबल थ्रेडेड हो जाता तो π/P हो जाता था। डिफरेंशियल स्क्रू जैक की बात करें तो 2π/PB-, दोस्तों यहाँ PB-PC होगा, 2π/PB-PC। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो आप फिर लेक्चर में जाइए, नीचे प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, वहाँ से आप देख सकते हैं वीडियो को पूरे। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो नीचे लिंक है आस्क योर क्वेश्चन में, आप उसका फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं हमारे पास, हम आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में सहयोग करेंगे। दोस्तों इस प्रकार हमारा मैकेनिक्स का लेक्चर ख़त्म होता है।